हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति। गर्मियां गजब की बढ़ गई है। वीडियो बनाना तो एकदम बहुत बड़ा वाला टास्क लग रहा है, बिकॉज पहले सेटअप करना पड़ता है कि गर्मी नहीं लगे। एसी चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, तब उसके बाद बनना शुरू होता है वीडियो। सो इतनी गर्मियों में एसी तो चला रहे जब तक घर में है, और जब बाहर जा रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पहन रहे हो उसमें भी आपको गर्मी ना लगे एंड स्टाइलिश जो है बिल्कुल एकदम बिंदास लगे, कंफर्टेबल रहे। उसी वजह से मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वाला, जो इस सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड वीडियो है, वो लेके आई हूँ, विच इज़ Amazon वेस्टर्न वेयर टॉप्स हॉल। सो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉप्स दिखाने वाली हूँ। एक तो मैंने पहन के रखा है, कलरफुल। बारिश आने वाली है तो रेनबो भी आएगा, तो दिस इज़ लाइक रेनबो कलर वाला ये शर्ट है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा आदित्य बोल रहा था कि मम्मी बड़े क्यूट लग रहे हो, है ना, क्यूट लग रहा है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो अभी बिना देर करते हुए आपको जो है करीबन 9 टॉप्स मैं दिखाने वाली हूँ। सारे इस सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है लुक वाइज भी, एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो आप सुकून में पहन के गर्मियाँ निकाल सकते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप इज दिस, ये जो है एकदम टी शर्ट मटेरियल है, मल्टी कलर में है, इट इज़ इन कॉम्बो ऑफ टू। सो ये है इसके साथ दूसरा वाला टॉप, एंड इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ये आपके जो है याद दिला रही है, हाँ भाई गर्मी, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ। इसके ऊपर देखो ब्यूटीफुल से आइसक्रीम लगा हुआ है, एंड इतना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, आपको कितना भी पसीना आए कुछ भी हो पूरा अच्छी तरह ये सोक कर लेगा, एंड उसके बाद ठंडा ठंडा ही लगेगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी। सो दिस इज़ समथिंग, ये जो दोनों का कॉम्बो है ये आप ज़रूर ले सकते हो। देन कम्स दिस ब्यूटिफुल टॉप एंड शॉर्ट कुर्ता बोल सकते हो, एकदम प्योर कॉटन में है, पर ये जो डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हो, बीच में 3 बटन इस तरह से लगे हुए हैं, एंड इसका ये जो स्लीव्स है ये कुछ इस तरह से, एंड इसका नेक जो है राउंड है आगे से भी एंड पीछे से भी, तो एक दिन आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो, वेरी कंफर्टेबल। कम्स दिस शर्ट, ये कम्प्लीटली जो है लेनिन मटेरियल में, प्योर लेनिन मटेरियल में है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको मैं मतलब इतना यूज़ कर चुकी हूँ, इसकी हालत देख के आपको पता लग रहा होगा। सो ग्रे कलर की शर्ट है एंड ब्लैक कलर्स के इसके ऊपर लाइन्स है, यहाँ पर पॉकेट दी हुई है, एंड ये सारा बटन्स दिया हुआ है, एंड छोटा वाला कॉलर है, बहुत लंबा वाला कॉलर नहीं है, एंड पीछे से कुछ इस तरह से है। देन कम्स दिस मेहंदी कलर का टॉप, एकदम प्योर कॉटन में है, बहुत लाइट वेट है, एंड इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो देख सकते हैं, 3/4 स्लीव्स दी हुई है, इसका जो नेक है कुछ इस तरह से है, एंड नेक के बीच में ये आपको डिटेलिंग इस तरह से दी हुई है, एंड पीछे से कुछ इस तरह से है। गर्मियों के सीज़न में ऐसे वाले टॉप्स में जो है हवा आर पार होती रहती है, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, एंड दिखने में भी बहुत ज़्यादा सोबर एंड स्टाइलिश है। देन कम्स दिस ब्यूटिफुल डेनिम का ये टॉप है, और बहुत ही पतला वाला डेनिम है, एकदम मोटा वाला जो एकदम जैकेट वाला डेनिम रहता है ना वैसा नहीं है, बहुत पतला है, वो आपको इसके स्लीव्स को देख के पता लग ही रहा होगा, एंड इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही यूनिक है, बीच में आपको ये बटन वर्क पूरा दिया हुआ है, एंड नीचे जो है थोड़ा सा ये थोड़ा फ्लोई टाइप का लुक है, एंड यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्लिट दिया हुआ है इस हिसाब से, तो ये भी मल्टीपर्पज आप यूज़ कर सकते हो, जीन्स के ऊपर टॉप में भी पहन सकते हो, थोड़ा सा जो है क्योंकि स्लिट दिया हुआ है थोड़ा क्रॉप टॉप का भी लुक देता है, एंड आजकल ऐसी वाले जो स्लिट वाले हैं साड़ीज के साथ, कुछ जो एकदम फ्लोरल साड़ीज होती है उसके साथ भी बहुत कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी ट्रेंडी चल रही है, तो यू कैन यूज़ दिस मल्टीपर्पज, एंड बैक साइड से ये पूरा प्लेन है। कम्स दिस टॉप, प्योर कॉटन में है ये भी, ये देखो एकदम लाइट ग्रीन कलर में, इसके ऊपर जो है पिंक कलर का ये जो पूरा डिज़ाइन है वो दिया हुआ है, इसके स्लीव्स 3/4 है, बट यहाँ पे यू हैव रफल स्लीव्स का ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है, एंड ज़्यादा लाइट वेट है, एंड ज़्यादातर आप 3/4 देख रहे हैं बिकॉज गर्मी में यार धूप में जाते हैं तो टैन भी हो जाते हैं, सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा अपने आप को मैक्सिमम कवर करके रखो, कितनी सारी जगहों पे आप सनस्क्रीन लगाओगे, है ना। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने सारे सेलेक्ट किए हैं। टॉप्स ऐसे होने चाहिए कि आपके पास ज़्यादा हो वैराइटीज़, एंड आप रोज एक 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 चेंज कर रहे हो, देखने वाले को भी लगेगा भैया बढ़िया बढ़िया टॉप्स पहन के आ रही है, तो इसीलिए आप लिंक्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए चेक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट कम्स दिस ब्यूटीफुल टी शर्ट टॉप, ये देखिए कुछ इस तरह से है, पूरे जो है पैरेलल लाइंस इसमें है, मरून कलर का ये टॉप है, 3/4 इसके स्लीव्स है, एंड राउंड नेक है, एंड बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है, एंड देखो निचोड़ निचोड़ के ऐसे किया तो इतना सा हो गया, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, इसीलिए जो है समर के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस टॉप, ये थोड़ा राजस्थानी टॉप जैसा लग रहा है ना, वैसा ही सा कुछ है, एंड यहाँ पे हाई कॉलर है और बीच में आपको बटन्स दिए हुए हैं,
ये जो डिज़ाइन है इसको क्या बोलते हैं, बांधनी टाइप का डिज़ाइन है, बांधनी नॉट एग्जैक्टली बांधनी बट सिमिलर टू दैट एग्जैक्टली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। 3/4 इसके स्लीव है, एकदम प्योर 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 100% प्योर कॉटन है, इतना ज़्यादा हल्का है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत पतला भी है कॉटन में। तो समर में दिस इज़ मतलब आप जब कपड़े खरीदते हो ना, ओनली आप जब खरीदते हो सीजन के हिसाब से आपको पहली बार तो खरीदना होता है, तो मेक श्योर कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है, लाइट वेट है कि नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा भी हो गया तो भी गर्मी लगेगी। तो इट हैज़ टू बी मतलब एकदम कॉटन मटेरियल में या टी शर्ट मटेरियल में, एंड बहुत लाइट वेट होना चाहिए, बिकॉज पसीने से जब गीले हो जाते हैं ना कपड़े वैसे ही भारी हो जाते हैं। यू नीड टू एनालाइज ऑल दोज थिंग्स। तो दिस इज हाउ इट इज़। एंड पीछे से भी पूरा थ्रू आउट ये जो टॉप है इसमें ऐसा ही प्रिंट आया हुआ है। सो अब बारी आती है पूरा सारे के सारे जो टॉप्स है मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। लिंक्स बिल्कुल चेक करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। चलो अभी देखते हैं अपना टशन। चलो कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं? आई होप लगा ही होगा, क्योंकि सारे के सारे टॉप जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, सीजन के लिए एकदम ऐट है। अभी इंतजार आपको नहीं करना चाहिए, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपकी परचेजिंग शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज समर जो है शुरू हो चुका है एंड आपका जो मूड है सब कुछ जो है क्लाइमेट के हिसाब से भी चेंज होता रहता है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चिड़ मचने लग जाती है, किसी को जवाब देने का मन नहीं करता है कि पसीना ही पूछो कि जवाब ही दो, है ना। तो कपड़े अगर कंफर्टेबल रहेंगे ना तो रिफ्लेक्ट होता है आपके चेहरे पे। सो डोंट वेट मोर एंड परचेज दिस अफोर्डेबल क्लोथ्स और अपना टशन बढ़ाते रहो। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।